वेदों में, पुराणों में बहुत सारी बातें बताई हैं और उन बातों में कहीं न कहीं जीवन की सीख हमें प्राप्त हुई है। मध्ययुग के कवियों ने, रीतिकाल के कवियों ने उन सारी शिक्षाओं को अपने दोहों में डाल दिया है और उन दोहों का जब मंथन करते हैं हमें सिर्फ ज्ञान का ही प्रकाश होता है। हमारे मन का अंधकार हमेशा के लिए हमसे दूर चला जाता है। जैसे कहा गया है, कहे यहाँ सुन क्यों, कहे यहाँ सुन क्यों, यही सयानी हो, यही सयानी हो। वेद में, पुराणों में, यही श्रुतियों में यही कहा गया है। सयाने लोगों ने, मुनि लोगों ने यही कहा है। क्या कहा है? तीन तपावत निसर्ग तीन तपावत निसर्ग पातक राजा पातक राजा। कहा गया है कि तीन को अगर दबाया जाए तो बाहर आता है। जैसे राजा को जब आप दबाएंगे तो वो बाहर आएगा, पातक पापी को अगर आप दबाएंगे तो वो बाहर आएगा, और रोग को अगर आप दबाएंगे तो भी बाहर आएगा। इसलिए वेद और पुराणों में कहा गया है कि दबाना किसी चीज को नहीं चाहिए, पापी को भी तंग नहीं करना चाहिए, रोग को भी नहीं छुपाना चाहिए और राजा को भी छेड़ना नहीं चाहिए। जैसे जैसे उन्हें दबाएंगे तंग करेंगे तो सब प्रकाश में आएंगे और फिर हमें दुख होगा। पातक राजा हो, पातक राजा हो, पातक राजा हो।